नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,841 नए केस मिले हैं, जबकि कुल 9 मरीजों की मौत हुई है। शुक्रवार को दर्ज किए गए केस कल के मुकाबले 0.5% ज्यादा है। देश में अब तक कोरोना के 4,31,16,254 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं संक्रमण के चलते देश में 5,24,190 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 18,604 एक्टिव केस हैं। गोरखपुर जिले के कैंट इलाके में पुलिस मुठभेड़ में शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक चोर और उनके साथियों ने एक घंटे में लूट की दो घटनाओं को अंजाम दिया था। बता दें कि कई धाराओं में बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज है। आरोपियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और लूट के इस्तेमाल में हुई बाइक, मोबाइल फोन और लूटी गई सोने की चेन को बरामद किया है। देवरिया पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने थाना बरहज का वार्षिक निरीक्षण किया, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक देवरिया की तरफ से सशस्त्र गार्ड की सलामी लेते हुए कार्यालय, बैरक, थाना अध्यक्ष कक्ष, भोजनालय, महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीएस कार्यालय और थाना परिसर का निरीक्षण किया गया। साथ ही अधिकारियों को साफ सफाई रखने का निर्देश भी दिया गया। थाने पर आए सभी पत्रकार बंधुओं का आदर के साथ सम्मान भी किया। राजस्थान के शातिर चोरों को आगरा से गिरफ्तार किया गया है। वहीं आगरा पुलिस ने बीते दिनों थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में हुई करीब 1 करोड़ की चोरी का खुलासा करते हुए 9 शातिर चोरों को धर दबोचा है और अन्य साथियों की तलाश जारी है। बता दें कि पकड़े गए शातिर अजमेर राजस्थान के निवासी हैं। जब जनपद में चुनाव के दौरान जिस समय फोर्स बहुत कम था तो काफ़ी चोरी घटनाएं हुई थी और इसके लिए एसपी सिटी साहब के निर्देशन में स्वेट टीम, सर्विलांस टीम, एसओजी टीम और थाना अध्यक्षों की एक टीम बनाई गई थी और जितने भी चोरी के प्लेसेस थे सबका बीटीएस उठाया गया था और सबके बारे में जानकारी की गई थी। जो चोर पुराने चोर छूटे थे उनके मोबाइल नंबर्स का कलेक्शन किया गया था और उन्हें सर्विलांस पर लिया गया था। उससे एक बड़ी सफलता जनपद पुलिस को मिली और लगभग 100 के लगभग चोरियां इनसे वर्कआउट हुई और 100 से अधिक मुलजिम अभी तक चोर जो हैं वो जेल जा चुके हैं, उनके ऊपर गैंगस्टर। गाजियाबाद में पति पत्नी के रिश्तों को तार तार करने का मामला सामने आया है। 1 मई को नंदग्राम थाना क्षेत्र में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। युवक की पत्नी ने नशीली गोली मिलाकर पति को खिला दी और पति के बेहोश होने पर प्रेमी संग मिलकर उसकी गला घोट कर हत्या कर दी थी। पुलिस अधिकारी आलोक दुबे ने मामले की जानकारी दी है। मुकेश की तहरीर के आधार पर हत्या का एक मुकदमा दर्ज हुआ, जो कि उनके भाई राकेश की मृत्यु के संदर्भ में था। इस संदर्भ में जानकारी हुई कि घटना दिनांक 1 मई की है। मृतक अपनी पत्नी के साथ नई बस्ती नंदग्राम में रहता था। 1 मई की रात को मृतक की पत्नी ने मृतक के भाई को सूचना दी कि उनका भाई कुछ बोल नहीं रहा है और बेहोश है। उक्त सूचना पर श्री मुकेश अपने परिजनों के साथ नई बस्ती नंदग्राम में आए। उसके बाद वो वहाँ से राकेश को हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके पश्चात वे अपने पैतृक गांव बुलंदशहर लेकर मृतक को गए। वहां पर स्थानीय पुलिस के द्वारा उनका पंचायतनामा किया गया तथा पोस्टमार्टम भी कराया गया। शक होने पर मृतक के भाई मुकेश ने थानानंद ग्राम में अपने भाई की हत्या के संदर्भ। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध कर रहे केसरगंज के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या के प्रमुख संतों से मुलाकात की, जहां राज ठाकरे के विरोध के लिए संत समाज से समर्थन मांगा। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने केसरगंज में मुलाकात की। केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को आशीर्वाद भी दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि बिना माफी मांगे अयोध्या तो दूर उत्तर प्रदेश की धरती पर राज ठाकरे को कदम नहीं रखने दूंगा। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और जगतगुरु राम दिनेशाचार्य मंगल भवन महामंडलेश्वर राम भूषण दास कृपालु रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से मुलाकात की। हर हर महादेव, हिंदू जनभावना
उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप जब ज्ञान वापी परिसर को देखेंगे तो आपको सीधे दिखेगा कि यह पौराणिक मंदिर है। चाहे पीछे का आकार देखिए, चाहे आगे नंदी भगवान को देखिए, चाहे जिस गौरी मैया की पूजन के लिए जो परिसर में है जो बंद कर दिए गए थे, इस चीज़ को लेकर देखिए, तो कोर्ट का आदेश सराहनीय है और मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन उसको सख्ती से पालन करेगा। अब जो अराजक तत्व के लोग थे जो बाधा उत्पन्न करते थे, अब वो बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, ये मुझको विश्वास है। से भाजपा विधायक मिले हैं और राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर लगातार विवाद जारी है। संतोष से भाजपा सांसद ब्रजभूषण ने मुलाकात करी है और संत समाज से समर्थन भी मांगा गया है। आपको बता दें कि सभी संत एक होकर लगातार राज ठाकरे का अयोध्या दौरे को लेकर विरोध जुता रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि बिना माफी मांगे अयोध्या तो दूर उत्तर प्रदेश की धरती पर भी राज ठाकरे को कदम रखने नहीं दूंगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और जगतगुरु राम दीनेशाचार्य मंगल भवन महामंडलेश्वर राम भूषण दास कृपालु और तमाम पुजारियों ने मुलाकात की और अपना समर्थन देने की बात कही। खबर मथुरा से है जहां डॉक्टरों की कमी के चलते जिला अस्पताल में मरीज परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है और स्वास्थ्य सेवाओं का विरोध किया है। वहीं आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाया, साथ ही मामले को रफा दफा किया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, परंतु धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ तमाम लोग पेशेंट भर्ती हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं है कैसी भी। ये बात तो सही कह रहे हैं। तमाम बड़ी बूढ़ी भर्ती हैं, सब तरह के लोग भर्ती हैं, कोई कैसी भी सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की, और सबके साथ अभद्रतात प्रयोग कर रहे हैं सब लोग, और कोई कैसी भी सुनवाई नहीं है। सुन लो, क्या मतलब हुआ आप लोग यहाँ पे ड्यूटी के लिए अलाउड हुए हो कि यहाँ पे फोन चलाने के लिए कर्मचारियों से काम करा रहे, ऊपर से उल्टा सीधा बोल रही है, ये बोल रही है तो उसमें जो करा जाए वो कर ले। रात का समय है, कोई डॉक्टर भी नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं है, ऊपर से नहीं आ रहा है और लाचार व्यक्ति आ रहा है, उनके साथ अभद्रता से बात की जा रही है। ऊपर से उसने ये बोला है मुझसे कि मैं ऐसे ही फोन चलाऊंगी, मेरे 12 घंटे की ड्यूटी है। मैंने इससे बोला 12 घंटे की ड्यूटी है तो फिर आप ड्यूटी नहीं कर रही तो घर बैठिए आप अपने, लेकिन वो तब भी बहस करे जा रही है। मामला है हमारे रिश्तेदार भर्ती हैं, इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, पूरे वार्ड में कोई भी डॉक्टर नहीं है, ना कोई डॉक्टर ना कोई कंपाउंडर। मरीज देखो इनके ऊपर ब्लड चढ़ा हुआ है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। आंटी भर्ती हैं यहाँ पे, यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। नर्स आई हैं और नर्स बहस कर रही हैं इनसे बुरी तरीके से, जो भी कर्मचारी आ रहा है अभद्रता से बात कर रहा है, कोई भी सुनवाई नहीं है। हम ये भी चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के पास हमारी ये सूचना जाए और इनके पास तत्काल इनके ऊपर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई हो, इनसे मरीजों को कोई भी दिक्कत का सामना। अलीगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला जहां नगला पटवारी में अनियंत्रित ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। वहीं हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले में जांच में जुटी, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि परिजनों ने ACM को ज्ञापन देकर मुआवजे की मांग की है। 11 दिन पहले खूनी तांडव सड़क के ऊपर मचा, जिसमें अनेकों जगह एक्सीडेंट मारते हुए एक ट्रक कई लोगों को रौंदता हुआ मन्नत अस्पताल पे लाकर उसने 3 और लोगों को रौंद दिया। उसके संदर्भ में जो परिवार के लोग हैं उनको लावारिस छोड़ दिया प्रशासन और शासन ने। 4 लोग मरे, अनेकों लोग घायल हुए और सरकार पूरी तरह से चुप बैठी है, प्रशासन पूरी तरह से चुप बैठा। इनके परिवार के पास कोई अधिकारी पहुँचा तक नहीं,
11 से 12 दिन हो रहा है, इनके लिए उचित मुआवजे की मांग को लेकर के हम आए हैं। इनके परिवार के जो मृत परिवार के लोग हैं उनको एक सरकारी नौकरी दी जाए, जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको भी, उनके परिवार को भी नौकरी दी जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। यहाँ तक कि इतनी संवेदनहीनता कि जो लोग घायल हैं उनका भी उपचार उनके परिवार को खुद कराना पड़ रहा है अपने पैसों से। ये सब गरीब लोग हैं लेकिन बावजूद इसके शासन प्रशासन नहीं सोच रहा है। हम और एक और मांग लेकर के आए हैं कि वो पटवारी के नगले वाली रोड वो खूनी तांडव मचाती रही है और खूनी सड़क के नाम से मशहूर हो चुकी है, उस सड़क पर अब भारी वाहनों का पूरी तरह से वर्जित किया जाए क्योंकि आगे जाकर के कोई और घटना न घटित हो। मैं इस समस्या के लिए आई हूँ, मेरे पति को कोई इलाज नहीं हो रहा है, मैंने कर्ज पानी करके लगाया भी है उस इलाज के लिए, तो टांगे भी पक रहे हैं उनके। अगर ठीक होने के बाद में मेरे आदमी की दुकान पूरी उजाड़ दी है, जिसमें जो माल भरा था मंडी वाले का वो भी पैसे उधार दे, 50-60 हज़ार रुपये का माल भरा हुआ था वो भी सब उसने ट्रक ने कुचल दिया, वो भी जो भी एक इतना सब बाढ़ तलक नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनपद अलीगढ़ के पदाधिकारी, अभी जो दिनांक 1 मई को एक घटना घट गई थी नगला पटवारी में, एक अनियंत्रित ट्रक ने कुछ लोगों को कुचल दिया था, उसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी, कुछ लोग घायल भी हो गए थे। तो ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अवगत कराया कि जो मृतक थे उनके परिवार को अभी मुआवजा, उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है और जो घायल हैं उनकी बीमारी का भी। मुरादाबाद के मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव अहरौला में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय किसान यूनियन भानु में मुरादाबाद से जुड़े नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देकर उन्हें मनोनयन पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार, सपा सरकार, बसपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस सरकार ने बहुत घोटाले किए हैं। खबर बदायूं से है, जहां थाना सिविल लाइन में हुए हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश किया है। बता दें कि मुखबिर की खास सूचना के आधार पर अभियुक्त सूरज श्रीवास्तव को सिविल लाइन से गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्यवाही में पुलिस जुट गई। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।